नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज का जो हमारा 5 मिनट का स्टॉक आइडिया है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और जो स्पेशलाइज्ड तरीके के बेयरिंग्स बनाती है और कंपनी का नाम है NRB बेयरिंग्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी इंडियन बेस्ड है और इनके प्रमोटर्स भी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। इनफैक्ट ये कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 1965 में हुआ था और कंपनी करीबन 40 साल से इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को सप्लाई कर रही है। कंपनी के जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली नीडल रोल बेयरिंग्स है। ये दूसरे भी तरीके के बेयरिंग्स बनाती है, जैसे कि सिलेंड्रिकल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, जो ऑटोमोटिव यू नो एप्लीकेशंस में काफ़ी हद तक यूज़ हो जाते हैं। इनके दो फैसिलिटीज़ हैं, एक जलना औरंगाबाद में फैसिलिटी है और दूसरी पंत नगर में है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट लगातार 5 से 10 साल से देखें तो लगातार कंपनी एक यू नो कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं और ओवरऑल एक स्पेशलाइज सेगमेंट में ऑपरेट करती है। हालांकि इनका वॉल्यूम दूसरे बेयरिंग कंपनीज के मुकाबले में कम है, लेकिन मार्जिन्स और मार्केट शेयर उनके सेगमेंट में इनका काफ़ी सिग्निफिकेंटली अच्छा है। कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो लास्ट ईयर करीबन कंपनी ने 965 करोड़ का टॉप लाइन रिकॉर्ड किया था, करीबन 165 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा किया था और PAT यानी बॉटम लाइन करीबन 108 करोड़ किया था। कंपनी की इक्विटी बेस बहुत छोटी है, करीबन 19 करोड़ की इक्विटी है और ये कंपनी की फेस वैल्यू की शेयर की करीबन 2 रुपया है। अभी दोस्तों थोड़ी सी इस कंपनी के पॉजिटिव्स के ऊपर बात करेंगे। पहला तो कंपनी जिस प्रोडक्ट में काम करती है नीडल रोलर बेयरिंग, वहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा इस कंपनी की मार्केट शेयर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ऑलमोस्ट 70%। और अभी इस प्रोडक्ट को काफ़ी एप्लीकेशंस ऑटोमोटिव कंपनीज यूज़ कर रही है। हालांकि अभी सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ गाड़ियों में काफ़ी सिग्निफिकेंटली हो रहा है और उसके लिए कंपनी की जो बेयरिंग्स होती है वो नॉट ओनली इंजन में जाते हैं लेकिन फ्रंट एक्सल बीम बेसिकली आपके यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग तरीके के जो आइटम्स होते हैं गाड़ी में वहाँ पे भी बेयरिंग्स का यूज़ होता है। तो डेफिनेटली कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी स्केलेबल है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ गाड़ियों में बढ़ेगा उसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। दूसरी बात दोस्तों, कंपनी ज़्यादातर यू नो अपना जो OEM और रिप्लेसमेंट मार्केट का मिक्स है और एक्सपोर्ट का मिक्स है वहाँ पे वेल डाइवर्सिफाइड है। करीबन 65% OEM से आता है और 35% एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी काफ़ी बड़े कस्टमर्स को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि रेनॉल्ट वोल्वो है, GKN ड्राइव है, ZF जर्मनी है। तो ये काफ़ी वेल एस्टैब्लिश कस्टमर है जो काफ़ी सालों के बाद इनको मिले और इनके अभी यू नो प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में जो OEMs को ये सप्लाई करते हैं ये सारे सेगमेंट्स के दिग्गज को सप्लाई करते हैं, जैसे कि टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, TVS, HMSI। अगर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, ये सारे कंपनीज को सप्लाई करते हैं, प्लस मारुति सुजुकी, महिंद्रा, ये भी इनके काफ़ी बड़े कस्टमर्स हैं। दोस्तों दूसरी बात, इनका जो टू व्हीलर का जो एक्सपोजर है ओवरऑल सेगमेंट का वो सबसे बड़ा है। इनके लिए इनके फॉर्चून्स टू व्हीलर से आते हैं, करीबन 40% टू व्हीलर से आता है। कमर्शियल व्हीकल्स करीबन 25% इनको कंट्रीब्यूट करते हैं, 10% पैसेंजर कार करते हैं और करीबन और एक 10-11% फार्म इक्विपमेंट से आता है। तो वैसे कंपनी ने अपनी जो कस्टमर बेस है सेगमेंट वाइज भी अच्छी तरह से यू नो इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह से की है। अगर कंपनी की ऑपरेशनल मेट्रिक्स की बात करें तो बहुत ROC और ROE जो हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी काफ़ी अच्छी है। करीबन 22-23% का आंकड़ा इन्होंने लास्ट लगातार 2 साल से मेंटेन किया है, जो काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी बात करें तो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे डिविडेंड ये कंपनी देती है। लास्ट ईयर करीबन 2 रुपये के फेस वैल्यू पे इन्होंने 202.60 रुपये डिविडेंड दिया था, तो करीबन 130% का डिविडेंड दिया था और इस साल में फर्स्ट 9 मंथ्स में इन्होंने ऑलमोस्ट 80% डिविडेंड दिया है। तो आने वाले समय में हमको लग रहा है कि ये डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की काफ़ी अच्छी रहेगी और ये डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप इस कंपनी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर का शेयर 48% है और करीबन ऑलमोस्ट 39% जो स्टेक है वो म्यूचुअल फंड्स, FIIs और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स के पास है। काफ़ी PE फंड्स भी ये शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो ओवरऑल ज़्यादातर लिक्विडिटी ये स्टॉक में लिमिटेड है, लेकिन हमको लग रहा है कि इधर डेफिनेटली अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये यू नो अपना शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण इस शेयर में कोई बड़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी।
दोस्तों अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स में एक दो ही नेगेटिव्स हैं। एक तो जिस प्रकार का मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन मार्केट में चल रहा है, ऑटोमोटिव सेक्टर पहले से खराब था और कोरोना वायरस आने के बाद और कंडीशन खराब हुई है। हमको लग रहा है कि जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जो इनके कस्टमर्स है, ये इनका मानना है कि FY21 तो कम्प्लीटली वॉश आउट ईयर हो चुका है और जो भी डिमांड आएगी वो FY22 में आएगी। तो दोस्तों इनके लिए भी दिक्कत होगी, FY21 इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। Q3 में ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ख़राब नंबर दिखाए क्योंकि तभी से वॉल्यूम डीग्रोथ होने लगा था। करीबन 170 करोड़ की टॉप लाइन रिकॉर्ड की है, जो करीबन 20% डाउन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली गिरा है, करीबन 12 करोड़ तीसरे तिमाही में आया, जो पिछले तिमाही में 28 करोड़ था। और 9 महीने में करीबन कंपनी ने करीबन 28-29 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल 9 महीने में करीबन 85-90 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट की जो डीग्रोथ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लेकिन दोस्तों हमको लग रहा है कि जो भी नेगेटिव्स इस कंपनी के परफॉर्मेंस में या इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस में दिख रहा है वो पूरी तरह से शेयर के प्राइस में फैक्टर्ड इन लग रहा है। मार्केट ने पिछले साल इस कंपनी को करीबन 165 का भाव दिया था, अभी ये शेयर चल रहा है करीबन 60-65 में। तो कहने का मतलब क्या है कि पीक लेवल से ये स्टॉक ऑलरेडी 60% डाउन चल रहा है। अभी अगर हम इस कंपनी की ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें और कंक्लूजन पे आए, तो हम यही कह सकते हैं दोस्तों कि 2-3 साल का नज़रिया जो भी इन्वेस्टर रखता है, तो हमको लग रहा है कि बेयरिंग सेक्टर एक एंसिलरी सेक्टर है ऑटो सेक्टर के लिए। और जैसे ही ऑटो सेक्टर में वापस तेजी आएगी, हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी बहुत बड़ी अपसाइड के लिए जगह बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी के पास रीजनेबल डेट है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से आपको 1000 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी करीबन 600 करोड़ या 650 करोड़ की मार्केट कैप पे अवेलेबल मिल रही है और करीबन 52 वीक लो के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो जिनको 2-3 साल का नज़रिया लेना है और निवेश करना है, मुझे लग रहा है कि ये लोअर लेवल्स पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो इसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉचलिस्ट पे ये स्टॉक इन्हों रखा जा सकता है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का 5 मिनट का स्टॉक आइडिया। हम कल भी और एक आइडिया के साथ आएंगे। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।